बॉडी में काफी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, एंडोक्राइन ग्लैंड के तरह बिहेव करती है। अब टेस्टिस, टेस्टिस बाय बर्थ प्रेजेंट है, सिंस बर्थ प्रेजेंट है, ऐसा कभी नहीं होगा कि बर्थ के समय टेस्टिस नहीं है, इनको सब लाइफ में टेस्टिस डेवलप होगी, इट विल बी प्रेजेंट सिंस बर्थ। अब सिंस बर्थ से प्रेजेंट तो है, बट सिंस बर्थ वो फंक्शनल है क्या? फंक्शनल कब है? आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में ऐसे क्या चेंजेस हुए कि टेस्टिस फंक्शनल होगी? मेल प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन रोल में आ गया, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस नहीं बना है, तो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए टेस्टिस को किसने बोला उस समय? 14, 15, 16, 17 ये एज में मेल में टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया, तो मेल के बॉडी को या टेस्टिस को किसने बोला कि ये एज में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना है? टेस्टिस के ऊपर एक कंट्रोलिंग एजेंट होगा ना, जिसने बोला कि अभी तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बनाना है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने मैसेज दिया, इसलिए टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन बनाया। पर पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे पता चला? उसने क्यों बनाने के लिए बोला? तो उसके ऊपर जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी की तरफ वेरियसिंग फैक्टर भेजने के बाद पिट्यूटरी ने टेस्टोस्टेरोन को मैसेज भेजा और टेस्टोस्टेरोन बनाना टेस्टिस में स्टार्ट। पर अभी मेल में टेस्टिस कंटिन्यूअसली टेस्टोस्टेरोन बनाता है, तो पूरे लाइफ टाइम टेस्टोस्टेरोन एक बार बनना स्टार्ट हुआ कंटिन्यूअसली सीक्रेट होगा, यानी कभी वो इनहिबिट होने वाला है क्या? नहीं। वही अगर फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कराने के लिए प्राइमरी हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, ठीक है? ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेनार्की। मेनार्की से स्टार्ट होता है ईस्ट्रोजन, और कब तक सीक्रेट होता है? मेनोपॉज तक। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होती है एक विंडो से दूसरे विंडो तक, स्टार्ट होती है मेनार्की से और खत्म होती है मेनोपॉज तक, ठीक है? अब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट कराया? ईस्ट्रोजन ने, यानी तब क्या सीक्रेट हुआ? ईस्ट्रोजन। रुकी, क्यों रुकी? किसका सीक्रेशन कम हो गया? ईस्ट्रोजन। जब तक फीमेल के बॉडी में है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है। ईस्ट्रोजन बंद हो गया, फीमेल के बॉडी में सीक्रेट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया। सीधा सीधा रिलेशन है, समझ में आया? अब वो ईस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ, कब सीक्रेट हुआ? प्यूबर्टी में। किसने सीक्रेट किया? ओवरीज ने। किसके अंडर में सीक्रेट किया होगा? फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने मैसेज भेजा, इसीलिए ओवरीज ने ईस्ट्रोजन बनाया। अब पिट्यूटरी को किसने बोला? हाइपोथैलेमस ने। तो हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग फैक्टर भेजा, GnRH बोलते हैं उसको, गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है? ये गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर एक बार हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में जाएगी, पिट्यूटरी मैसेज भेजेगा ओवरीज को, और ओवरीज ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेगी। अब वो ईस्ट्रोजन कंटिन्यूअसली सीक्रेट होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी को अभी ईस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है, बॉडी को बंद करना है सेक्सुअल हार्मोन का, बॉडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल रोकनी है, तो ईस्ट्रोजन को रोकना पड़ेगा। फिर हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा इनहिबिटिंग हार्मोन का, किसको? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी मैसेज भेजेगा ओवरीज को, और ओवरीज ईस्ट्रोजन बनाना रोकेगी। यानी यहाँ पे बनाना स्टार्ट करना भी हाइपोथैलेमस के हाथ में, और रोकना भी हाइपोथैलेमस के हाथ में, ठीक है? दोनों चीजें हाइपोथैलेमस के हाथ में, हाइपोथैलेमस बनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है और रोकने के लिए भी, इसीलिए रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों काम दिया है हाइपोथैलेमस को। बस यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना है, फैक्टर करके टर्म किया जाता है इसको, इसको हार्मोन करके टर्म नहीं किया जाता। क्या टर्म किया जाता है? फैक्टर। जिसे फैक्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोई भी, इसका कोई भी पार्ट या कोई भी सिक्रेशन मिमिक नहीं करता एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन के। अब ये हाइपोथैलेमस से जितनी भी चीजें सीक्रेट होती है, या हाइपोथैलेमस से जितनी भी चीजें सीक्रेट होगी, ये पूरी की पूरी चीजें डायरेक्टली पिट्यूटरी तक नहीं जाएगी, यानी पिट्यूटरी को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगी। हाइपोथैलेमस ने बनाई, और हाइपोथैलेमस ने किसको दिया? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के दोनों पार्ट को दे सकता हुआ, या तो एंटीरियर पिट्यूटरी को, या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी को देना है तो किस रास्ते से देगा? देखो कल का डायग्राम, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी के सामने, जोर से बोलो, नर्व सेल्स, क्या नाम लिखा था उसको दूसरा? नर्व सेल के सामने लिखा ना अपन ने, अरे नर्व सेल न्यूरॉन के सामने क्या लिखे? और पिट्यूसाइट, ठीक है? तो पिट्यूसाइट कहां रहते लेगा? ये फैक्टर को पिट्यूसाइट्स हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में भेजेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे जाएगा?
कितने लोगों का वायरस नहीं हाथ ऊपर रखा था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे जाएगा बोलो ना, तो हाइपोथैलेमस हाइपोफिसियल पोर्टल सिस्टम गूंगे हो गया, कम सुनाई आता नहीं बोल पाते, ऐसा कुछ है क्या? बोलो ना, लिखा नहीं है क्या रजिस्टर में? तो ये प्राइमरी फंक्शन है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस के बाद एक दूसरा पार्ट दिया उसने, उसको बोला है लिम्बिक सिस्टम। अब ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये लिम्बिक सिस्टम कोई भी एक ब्रेन के पार्ट का पार्ट नहीं है, यानी ना तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ना तो ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ना तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इसको फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में रखे, यानी इसका कुछ पार्ट फोर ब्रेन में आता, कुछ पार्ट मिड ब्रेन में आता। अब लिम्बिक सिस्टम की अगर बात करते तो ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये दो तीन चीजों से मिलकर बना है, एक है हाइपोथैलेमस, एक है अमिग्डाला, एक है हिपोथैलेमस और थैलेमस। देखो हिपोथैलेमस थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीन पार्ट डायन्सेफेलॉन के, और इसके साथ है अमिग्डाला, ये चारों पार्ट मिला के बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट हुए लिम्बिक सिस्टम के। तो सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, किसने बनाया लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम ये चारों ने बनाया। ये चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पहला है अमिग्डाला और दूसरा है हाइपोथैलेमस। बाकी के पार्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला है अमिग्डाला, पहला नाम अमिग्डाला का ले रहा हूं, अमिग्डाला पहला, और दूसरा है हाइपोथैलेमस। अब ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने बॉडी में पूरे इमोशन के रोल, अपने बॉडी में पूरे इमोशन के रोल प्ले करता है लिम्बिक सिस्टम, यानी इमोशन को कंट्रोल करने में लिम्बिक सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि कौन से इमोशन को कंट्रोल करता होगा लिम्बिक सिस्टम? छोटे बच्चे के हाथ में अगर कोई खिलौना खेल रहा है और उसका खिलौना अगर तुमने छीन लिए, पीट लिए, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते, चेंज होते। और वैसा ही अगर देखता है वो अपचेंज हो रहे समय बाद शायद वो रोने लग जाए। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस कराने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये होते ही जगह, फॉर एग्जाम्पल मदर, उसकी मदर अगर उसको रख के कहीं और जा रही है, दूर जा रही है, उसको ऐसा लगता है वो छोड़ के जा रही है, छोटा अगर बेटी तो रोता है वो। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज इमोशनल चेंजेस, और वो सब कराता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, जितना लिम्बिक सिस्टम स्ट्रांग रहेगा उतने इमोशन स्ट्रांग रहेगी, जितना लिम्बिक सिस्टम वीक रहेगा उतने इमोशन वीक रहेगी। और लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमिग्डाला, अमिग्डाला जितना बड़ा रहेगा, जितना वेल डेवलप रहेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा, उतने इमोशन ज्यादा रहेगा। इमोशन इज नथिंग बट द इंटरनल फीलिंग, इंटरनल फीलिंग। ठीक है, फीलिंग आपको इंटरनल है, वो दिल से आती है, बोलते हैं ना, दैट इज नोन एज इमोशन। अब अलग अलग तरह के इमोशंस प्रेजेंट होते हैं, वो कोई नहीं पूछने वाला तुमको कौन कौन से तरह के इमोशंस रहते हैं, इमोशंस रहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दिस इज अबाउट फोर ब्रेन, यहाँ पे फोर ब्रेन कंप्लीट किया। अब आओ जरा मिड ब्रेन का तरफ, मिड ब्रेन का पार्ट है सेकंड। जब मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में दो पार्ट आते, कौन कौन से दो पार्ट आते? पहला और सेकंड वन इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अपने ब्रेन की अगर बात करते तो ब्रेन में सेरिब्रम ने कितना परसेंट पार्ट बना है? अराउंड 85%। सेरिबेलम ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? अराउंड 11%। 85 और 11% कितना? 96%। बचा कितना? 4%। ये बाकी की चीजें आ गई, बाकी की कौन? डायन्सेफेलॉन आ गया, ऑल्फैक्टरी लोब्स आ गया, प्लूरा सेरिब्रिया आ गया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आ गया, पॉन्स आ गया और मेडुला आ गया। ये छह चीजें आ गई 4%। अब ये छह में ज्यादा पार्ट किसका रहेगा? एक रहेगा ऑल्फैक्टरी लोब का, क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब ऑल्फैक्टरी बल्ब से बने तो थोड़े से बड़े रहते हैं। ठीक है, और दूसरा रहेगा पॉन्स और मेडुला। तो बचे ये दोनों, प्लूरा सेरिब्रिया और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इनके लिए बहुत कम वॉल्यूम या बहुत कम स्पेस अवेलेबल होती है। अब बहुत कम वॉल्यूम अवेलेबल है, इसका मतलब ये पार्ट वेल डेवलप्ड है या बस डेवलप्ड है? बस डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड नहीं है। अपन लेस डेवलप्ड ही बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते समय लेस डेवलप्ड ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज वी आर दी हाइएस्ट अडेप्टेड लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ।
ठीक है, अपने से ज्यादा अडेप्टेड स्किलफुल ऑर्गेनिज्म अर्थ पर है नहीं। तो स्किलफुल एक्टिविटी जब ह्यूमंस में सबसे ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन में स्किलफुल एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला ब्रेन भी बहुत ज्यादा अडेप्टेड होगा, तो उसको कभी अंडर डेवलप्ड ऐसा नहीं बोल सकते अपन, वो इंसल्ट हो जाएगी ना ब्रेन। इसीलिए अपन बोलते हैं कि बाकी के वेल डेवलप्ड है, अपना मिड ब्रेन उतना वेल डेवलप नहीं है, इट इज अराउंड डेवलप्ड है, यानी ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं। अब इसके बारे में काफी सारी चीजें अपने को पता नहीं है, मिड ब्रेन के बारे में काफी सारी चीजें अपने को पता नहीं है, उसके पीछे रीजन है। देखो मिड ब्रेन जो है ना ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में, ठीक है, तो अगर अपन किसी का स्कल, लिविंग ब्रेन का स्कल भी ओपन करते हैं तो अपने को विजुअली देखने नहीं मिलता मिड ब्रेन, जब तक अपन उसके फोर ब्रेन को सरकाते नहीं है, उसके फोर ब्रेन को साइड में करते नहीं है। और उसके फोर ब्रेन को साइड में करना इज नॉट सो सिंपल, जॉब बताया था उसी दिन में, अगर उसको तुम कोई भी कुछ देते हो ऑटोमेटिकली वो हैम्पर्ड हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी उसकी, और वो सकती है डेथ भी हो जाएगा जिस इंसान का है। तो इसीलिए अपने को पता नहीं चलता कि एक्चुअल ये मिड ब्रेन किस तरह से प्लेस रखा है, किस तरह का फंक्शन कर रहा है, किसके साथ लिंक्ड है, किसके साथ बॉन्डेड है। इसीलिए अपने पास काफी कम इन्फॉर्मेशन है मिड ब्रेन, ठीक है, कंपेरेटिवली टू मिड ब्रेन अपने पास फोर ब्रेन की ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और हाइंड ब्रेन की ज्यादा इन्फॉर्मेशन। तो ये अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर चल रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअसली काफी सारे ट्रायल्स उसके ऊपर चल रहे हैं। अब जब प्लूरा सेरिपी की बात कर रहे हैं तो प्लूरा सेरिपी एक तरह का फाइब्रस ट्रैक है जिसको सेरिब्रल पेडंकल भी बोला जाता है। प्लूरा सेरिपी इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल पेडंकल, व्हाट दे कॉल सेरिब्रल पेडंकल फाइब्रस ट्रैक है। जैसे ही बोले सेरिब्रल, सेरिब्रल यानी किसके साथ रिलेट होगा, सेरिब्रम के साथ, सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, तो फोर ब्रेन के साथ रिलेट हो गया। तो देखो अभी सेरिब्रम और फोर ब्रेन में सेंटर में कौन है, थैलेमस, क्योंकि थैलेमस के पास क्या है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये RAS का ही एक पार्ट, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट प्लूरा सेरिब्री के तरफ आता है, और प्लूरा सेरिब्री भी किसका पार्ट है, RAS का, यानी ये RAS में प्लूरा सेरिब्री भी है और थैलेमस भी है, यानी प्लूरा सेरिब्री किसके अटैचमेंट में आ गया, थैलेमस, और थैलेमस किसके कॉन्टेक्ट में, इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि प्लूरा सेरिब्री किसके कॉन्टेक्ट में, सेरिब्रम, समझ में आ रहा है रिलेशन, क्योंकि थैलेमस के कॉन्टेक्ट में सेरिब्रम डायरेक्टली रहेगा और डायरेक्टली प्लूरा सेरिब्री थैलेमस के कॉन्टेक्ट में, इसी का मतलब प्लूरा सेरिब्री सेरिब्रम के भी कॉन्टेक्ट में, तो प्लूरा सेरिब्री से सेरिब्रम की तरफ फाइबर्स जा रहे हैं, फाइबर्स जा रहे कहां से, कहां, प्लूरा सेरिब्री से सेरिब्रम की तरफ, ये जो फाइबर्स जा रहे हैं ये फाइबर्स दो तरह के होते हैं, जो सेरिब्रम की तरफ जा रहे हैं दैट इज टर्म्ड एज असेंडिंग फाइबर, क्या बोला जाता है उन्हें बोला जाता है असेंडिंग फाइबर, और जो सेरिब्रम से नीचे आ रहे प्लूरा सेरिब्री की तरफ उन्हें बोला जाता है डिसेंडिंग फाइबर। देखो नाम क्यों दिया है ऐसे, मिड ब्रेन है तो प्लूरा सेरिब्री नीचे रहेगा, सेरिब्रम ऊपर रहेगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो असेंड हो रहा है, इसीलिए असेंडिंग फाइबर, जो सेरिब्रम से नीचे आ रहे होंगे फाइबर दैट इज टर्म्ड एज डिसेंडिंग फाइबर। अब जो सेरिब्रम में जाने वाले फाइबर है वो एंट्री कर रहे हैं सेरिब्रम में, इसीलिए एंट्री करने वाले असेंडिंग फाइबर में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है दैट आर टर्म्ड एज एफरेंट न्यूरॉन, ए एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि एंटर हो रहे हैं वो, दूसरे न्यूरॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो क्या बनाएंगे, डिसेंडिंग फाइबर, जो बाहर निकल रहा है दैट इज एग्जिट ई, इसीलिए उन्हें बोला जाएगा इनफरेंट न्यूरॉन। तो दूसरा क्लासिफिकेशन एफरेंट न्यूरॉन, इनफरेंट न्यूरॉन। तीसरा क्लासिफिकेशन उस दिन बात की थी अपन ने, ब्रेन में जाने वाले पूरी इंपल्स कौन लेके जाता, सेंसरी नर्व, तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं सेंसरी फाइबर, इसे बोल सकते हैं मोटार फाइबर। इस तरह से अलग अलग नाम दिए जाते, जितने बुक पढ़ोगे तुम उतने वेराइटी ऑफ नाम देखने मिलेंगे, पर मेजरली असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक की याद रखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर इसीलिए क्योंकि वो असेंड करने वाले हमेशा सेंसरी रहेंगे और डिसेंड करने वाले हमेशा मोटर रहेंगे, तो दो तरह के फाइबर है, इसीलिए अपन ने बोला कि ये फाइब्रस ट्रैक्ट है, क्यों, क्योंकि ऐसे फाइबर प्रेजेंट है ना इन दोनों के बीच, इसीलिए अपन ने नाम दिया, कौन सा ट्रैक्ट है वो फाइब्रस ट्रैक्ट है, बंडल प्रेजेंट होता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल 10-12 रिफिल्स तुमने एक साथ कलेक्ट कर दी और एक साथ बांध के रख दी 10-12 रिफिल्स को, तो ऐसा बंडल बन जाएगा, वैसा वो ट्रैक्ट का बंडल होता है, ठीक है, वो असेंडिंग फाइबर है, इसका मतलब एक ही फाइबर नहीं होता, पूरा बंडल होता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि सेरिब्रम जो है, ये स्ट्रक्चर का फायदा क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर का फायदा यह है कि सेरिब्रम जो है ये सेरिब्रम डायरेक्टली रिलेट हो गया, किसके साथ रिलेट हो गया, मिड ब्रेन के साथ,
सेरिब्रम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मिड ब्रेन ना, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड हो गया वो मिड ब्रेन के साथ। अब सेरिब्रम में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है, यानी फोर ब्रेन में चेंजेस हो रहा है, वो किसको पता चल रहा है जल्दी से, मिड ब्रेन, यानी फोर ब्रेन के हिसाब से मिड ब्रेन भी अभी चेंज हो सकता है। अगर फोर ब्रेन को कोई फंक्शन कम ज्यादा करना है तो मिड ब्रेन भी उस हिसाब से अपने फंक्शन को अल्टर कर सकता है। इससे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन और ज्यादा डेवलप हो गया, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए मिड ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहा है। आमतौर पर बात कर सकते तो एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी दोनों साइड की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ए का बी को बता रहा है, बी का ए को बता रहा है, तो एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, बिल्कुल वैसा एजेंट के तौर पर काम। अब इसमें अपने को कुछ न्यूक्लियस देखने मिलते हैं, ठीक है, जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन, तो इसके पहले भी अपन न्यूक्लियस पढ़े थे, कॉर्पोरा स्ट्राइटम कर भी न्यूक्लियस पढ़े थे, याद आ रहा है, पार्किंसन डिजीज भी पढ़े थे उसका। अरे बताया था तुमको सेरिब्रम का आखिरी का पार्ट थे, सेरिब्रम रजिस्टर में लिखे होंगे उसका आखिरी का पार्ट थे फंक्शन के पहले। अगर ये टोन चले गया तो शायद उसका शेप स्पिंडल नहीं रहेगा, स्पिंडल से कुछ और हो जाएगा,
ठीक है, वो या तो ठीक हो जाएगी या तो ठीक हो जाएगी या तो फाइबर जैसी हो जाएगी। और ऐसे सब चेंजेस अपने को कब देखने मिलते हैं, अगर अपने को मसल टोन बहुत अच्छे से पढ़ना है तो पैरालाइज्ड पेशेंट के मसल देखो, जिसको पैरालिसिस आया है वो जैसा फॉर एग्जांपल बॉडी का एक पार्ट पैरालाइज्ड है उसका लेफ्ट साइड अगर पैरालाइज्ड है, 80 इयर्स का कोई ओल्ड एज पेशेंट है और उसका लेफ्ट साइड अगर पैरालाइज्ड है तो लेफ्ट हैंड को पकड़ो उसके, तो लेफ्ट हैंड के मसल को पकड़ो उसके और राइट हैंड के मसल को पकड़ो, दोनों मसल को पकड़ो एक साथ, तो तुम्हें चेंजेस समझ में आएंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि जो राइट साइड की नॉर्मल है वो मसल अलग फील हो रही है और लेफ्ट साइड की जो मसल है वो थोड़ी सी अलग फील हो रही है, दोनों में थोड़े से चेंजेस देखने मिल रहे हैं। ठीक है, जो राइट साइड की अच्छी मसल है वो थोड़ी सी मजबूत लग रही है, हार्ड लग रही है, रिजिड लग रही है, और जो लेफ्ट साइड के मसल है जो पैरालाइज्ड है वो पैरालाइज्ड मसल तुम्हें एकदम वीक लग रही है, इमेशिएटेड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम कंप्रेस करोगे तो जितना कंप्रेस करोगे उतनी कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो उसने अपना टोन लॉस कर दिया, वो जो टोन है वो टोन मेंटेन करने में मदद करता है ये रेटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्रेन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रेन का मसल के एस्पेक्ट में टोन मेंटेन करना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही अलग होती है मसल की टोन है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कॉर्पोरा पटरी जमीन, कॉर्पोरा पटरी जमीना की अगर बात करते हैं तो कॉर्पोरा पटरी जमीना दो तरह के पॉलिक्यूलाई दिखाता है, क्वाड्रम बोला जाता है, क्वाड्रम यानी ऐसा पार्ट जिसके पास फोर लिम्स प्रेजेंट है, फोर एक्सटेंशन प्रेजेंट है, तो चार एक्सटेंशन प्रेजेंट है उसके पास, सेंटर में बहुत अच्छे से व्हाइट मास प्रेजेंट रहता है। ठीक है, व्हाइट मैटर से बना हुआ व्हाइट मास प्रेजेंट है और उसके फोर आर्म्स प्रेजेंट है, वो फोरों आर्म्स पर स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो जो स्वोलन स्ट्रक्चर है इसी को बोला गया पॉलिक्यूलाई, ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है इन स्वोलन स्ट्रक्चर को नाम दिया गया पॉलिक्यूलाई। अब ये पॉलिक्यूलाई में दो पॉलिक्यूलाई नीचे है और दो पॉलिक्यूलाई ऊपर है, जो ऊपर है उन्हें टर्म किया जाता है सुपीरियर पॉलिक्यूलाई, क्या बोला जाता है उन्हें बोला जाता है सुपीरियर पॉलिक्यूलाई, और जो नीचे है इन्हें बोला जाता है इंफीरियर पॉलिक्यूलाई। एमसीक्यू में पूछता है वो कि कितने पेयर है पॉलिक्यूलाई के, कितने पेयर है पॉलिक्यूलाई के, दो दो पेयर प्रेजेंट है, एक है सुपीरियर और एक है इंफीरियर, कितने पॉलिक्यूलाई प्रेजेंट है टोटल कॉर्पोरा पटरी जमीना में, फोर, तो फोर पॉलिक्यूलाई आर प्रेजेंट, वन इज सुपीरियर पेयर एंड अनदर वन इज इंफीरियर पेयर, पेयर में बात कर रहे हैं। ठीक है, और पेयर में प्रेजेंट होता है। अब ये जो पॉलिक्यूला है ये पॉलिक्यूलाई का फंक्शन क्या, सुपीरियर पॉलिक्यूलाई, सुपीरियर पॉलिक्यूलाई एक्सीलरेटेड विजन में मदद करता है, कौन से विजन में, एक्सीलरेटेड विजन में, और इंफीरियर पॉलिक्यूला एक्सीलरेटेड हियरिंग में मदद करता है। तो अब तुम मेरे को पहले डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट बी मैच या रिलेटिव बी आर, कौन सी वेलोसिटी गिर रहे वहां, कौन सी वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बी बोले तुमने तो लीनियर वेलोसिटी होंगी ना, जिस समय तुम बोलोगे डब्ल्यू टॉर्क हो जाएगा, जिस समय तुम एल बोलोगे वो मोमेंटम हो जाएगा, अपन एंगुलर नहीं बोल रहे, लीनियर नहीं बोल रहे, लीनियर ही है, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा मैं हर एस्पेक्ट में, अपने को एंगुलर वेलोसिटी से कोई लेना देना अनलेस एंड अंटिल मस्कुलर एक्टिविटी भगवान छूते नहीं, तब तक अपन टॉर्क की बात करते नहीं है, एंगुलर मोमेंटम की बात करते, वेलोसिटी बी जो है वो बी कौन सी है, कॉन्स्टेंट वाली है, वीमैक्स वाली है या वी आर वाली, मैक्सिमम वेलोसिटी वीमैक्स वी आर यानी रिलेटिव वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट यानी प्लेन वेलोसिटी, तो ऑटोमेटिकली स्पीड को डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेंगे तुमको, फर्स्ट हाफ में अगर टाइम से डिफरेंशिएट करते हो स्पीड को तुमको जो वेलोसिटी मिलती है वो वेलोसिटी, क्या प्राइमरी डिफरेंस है दोनों के बीच में, चलो यार इतनी सिंपल चीजें ऐसे तो चीजों का आंसर कम से कम दे दिया, तो इससे ज्यादा सिंपल थोड़ी पूछने वाला, तो एग्जामिनर भी जब तुम्हारा वाइवा लेगा प्रैक्टिकल में कॉलेज वाले और एक बाहर का आता है सैंपल जो कॉलेज का है वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना अपने को इजी,
कहीं मेरे को मार्क्स डालू, कुछ तो बोल तू, दो साल से पढ़ता फिजिक्स, कुछ तो बोल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, ऐसा ही पूछ लिया उसने। एक तो पॉइंट तो बोलते आना चाहिए अपने को, क्या फर्क है रिलेटिव वेलोसिटी में और वेलोसिटी, काहे का मार्क्स डालेगा नहीं, भगा देगा वहां से। मैं एग्जामिनर की इच्छा होंगे कि इसको 15 मार्क्स डालो, 30 में से 17 मार्क्स डालो, पर ऐसे आंसर सुन के या नहीं सुन के वो बोलेगा कि इसको पहले भेज दो। अपन क्या उसके घर जाएंगे? और ये रम्य मत रहा है ना, कोई भी कुछ भी बोले 30 में से 30 को नहीं मिलते, तो हाइएस्ट जो है अपने कॉलेज का उसको मिलते 24-25। ये मान लिया अपना दिमाग में, अपने कॉलेज में जो हाइएस्ट है उसको मिलते 24-25, 30 में से 30 को नहीं मिलता किसी को, क्योंकि बोर्ड का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता क्यों दिया 30 में से, और वो एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देना चाहता, इसलिए हाइएस्ट को 25-26 बस इसी में डांस करता। हाइएस्ट यानी जो कॉलेज का टॉपर है तब 11 के फाइनल में और 12 के मिड इंटरनल असेसमेंट एग्जाम में, ऑर्डर ऑफ मेरिट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का हमको पता है कि ये कुछ कर सकते, डालो इनको 24-25 सर, उनको छोड़ के बाकी के जो है वो इधर 15-16-17 वो एवरेज तय रहता तुम्हारा। इंटरनल असेसमेंट जब जाते हैं तब तुम्हारी आंसर शीट रहती है, जो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड है उसकी जो लिस्ट है वो लिस्ट रहती है 11th की, कोई 11 के मार्क्स देखते जाते उस हिसाब से डालते जाते मुंह पे, तुमको कुछ भी क्वेश्चन पूछे तुम बताओ या नहीं बताओ, तुमको वैसे भी असेस कर रहे हो, ये जो कॉलेज एग्जाम ले रही है टाइम पास के लिए ले रही है, वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है, उनको वो इंटरनल असेसमेंट ठहराएगा तुम्हारा, और एक एक सब्जेक्ट में 12-12-15-15 मार्क्स जाना है, यानी 2.5% जाने के बराबर है, 6 मार्क्स का 1% होता है, 15 मार्क्स गए इसका मतलब 2.5% गया, 2.5% का मतलब समझ में आता क्या, 4 सब्जेक्ट में 10% हो जाते हो, 10% यानी 70-60 में, यानी परमिट से अनपरमिट में आ गया, बड़े कॉलेज का बीएससी का फॉर्म लेने जाओ वो सिक्योरिटी गार्ड पूछता तुमको कितने परसेंट है, अगर तुमने बोला 65 चलो क्या से फॉर्म नहीं मिलता ऐसा बोलता हूँ, और अगर तुम बोलोगे कितने परसेंट है 90% चाहिए सर आप ऑफिस फॉर्म लीजिए, टोन बदल जाता उसका बात करने का, समझ में आ रहा। अब देखो तुम टाइम गिनवाना है तुमको अपना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी, बोले जल्दी, रिलेटिव वेलोसिटी जाना कहा था चलेगा गया, इंडिया से पाकिस्तान जाना था वो यूरोप जाके रुका,
समझ में ही नहीं आएगा ना पायलट को ना इंजन को, उसने जो एक बार स्पीड पकड़ी तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड में रन कर पाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? थोड़े से चेंजेस आइए, एग्जाम्पल जरा याद रखो।